You are watching SBR News 1. Today's news updates, let's watch. नमस्कार, SBR News 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जनपद बिजनौर की रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने चौकीदारों को डंडे और स्वेटर वितरित किए। वहीं एसपी ने जिले भर से आए चौकीदारों को संबोधित करते हुए कहा कि वो पुलिस विभाग का अभिन्न अंग है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में चौकीदारों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी घटनाओं को चौकीदार सूचित करते हैं। वहीं बिजनौर में चौकीदारों के साथ भिन्न भिन्न स्थानों से होकर पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति और जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मास्क का प्रयोग करने हेतु जागरूक किया गया। ये सर, आज चौकीदारों को आपने स्वेटर और लाठी बांटी, क्या मकसद है इनका, क्या पूरा मामला? जनपद में करीब 750 ग्राम प्रहरी है, तो सर्किलवार ग्राम प्रहरी को बुलाया गया, उनको पुलिस के दायित्वों कर्तव्यों के बारे में ब्रीफ किया गया और जो शासन की तरफ से पैसा आया हुआ था तो उसमें इनको लाठी और स्वेटर इसका वितरण किया गया और इनको इनके दायित्व कर्तव्य से अवगत कराया गया। पुलिस विभाग के अविभाज्य अंग है और इनका स्थान कहीं भी बीट कांस्टेबल या हल्का प्रभारी से कम नहीं है। इन्होंने आज काफ़ी अपने आप में आत्मगौरव का अनुभव किया। इधर मेंडू चेयरमैन पुत्र ने बिना नक्शा कराए बैंक बिल्डिंग बनाई है, जिसे जॉइंट मजिस्ट्रेट ने नोटिस दिया है। आपको बता दें कि मेंडू चेयरमैन पुत्र देवेंद्र कुमार द्वारा शाहगली में बैंक की बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसका विनियमित क्षेत्र हाथरस से नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया, न ही नगर पंचायत से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत मेंडू नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी अनामिका सिंह द्वारा लिखित रूप में जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा से की गई। इस बात की जानकारी जब जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा को हुई तो उन्होंने तत्काल चेयरमैन पुत्र देवेंद्र कुमार को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोककर 19 दिसंबर को अपने समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। इसकी जानकारी हमें मौखिक एवं लिखित शिकायत के आधार पर हुई और हमने अपने भी कर्मचारियों से जानकारी हासिल करी तो पता चला कि अध्यक्ष पुत्र देवेंद्र कुमार आर्य के द्वारा बैंक बिल्डिंग का निर्माण विनियमित क्षेत्र से बिना नक्शा स्वीकृत कराए कराया जा रहा है और ना ही नगर पंचायत से किसी भी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है। इधर बलिया जिले के गड़वार से बड़ी खबर सामने आई है। जिला जज SAH रिजवी के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ऋचा वर्मा अचानक वृद्धा आश्रम गड़वार और नारी निकेतन निधारिया का जायजा लेने पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान वृद्धा आश्रम में तमाम लापरवाही मिली, इस पर नाराजगी जताते हुए सुधार लाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान पाया गया कि वृद्धजनों की उपस्थिति पंजिका में दर्ज नहीं की गई थी। इसके अलावा आश्रम में रह रही वृद्ध महिला चंद्रिका की मृत्यु पिछले माह के अंतिम दिवस में हो गई, जबकि उनकी उपस्थिति दिसंबर माह की 5 तारीख तक बनाई गई है। वहीं आश्रम के अधीक्षक घनश्याम सिंह और अन्य कर्मचारी भी अनुपस्थित मिले। प्राधिकरण की सचिव ऋचा वर्मा ने आश्रम में निवासित कई वृद्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी ली तो बताया गया कि वो बाहर गए हैं, लेकिन उनके बाहर जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवरण अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया था। इस पर नाराजगी जताते हुए सुधार लाने की चेतावनी दी। बलिया जनपद के भीमपुरा थाना क्षेत्र लोहटा गांव में अराजक तत्वों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मामला भीमपुरा थाना के लोहटा गांव का है। वहीं मौके पर पहुंचे बसपा नेता ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। गाँव वालों में गुस्सा देख CO और इंस्पेक्टर ने तुरंत दूसरी प्रतिमा मंगवाई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं ग्रामीणों की माने तो वो थाने पुलिस की लापरवाही बता रहे हैं। लोहटा गांव में एक खबर आई कि अंबेडकर मूर्ति को तोड़ दिया गया, क्या है पूरा घटनाक्रम सर और क्या कार्रवाई की जा रही है? सुबह सूचना प्राप्त हुई कि भीमपुरा में मूर्ति जो है वो तोड़ दी गई है। इस सूचना पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लोग मौके पर गए, वहां जांच पड़ताल की गई तो पाया गया किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये शरारत की गई है। मुकदमा इस संबंध में पंजीकृत कर लिया गया है और प्रशासन द्वारा इसमें मूर्ति दूसरी लगाने की कार्रवाई की जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए SBR News 1 के साथ। नमस्कार।